अब एक अच्छी खबर रियो से। आप जानते ही हैं कि रियो में पैरालंपिक चल रहे हैं, जिसके दूसरे ही दिन भारत को सुनहरी कामयाबी हासिल हुई है। हाई जंप इवेंट में भारत के हाथों दोहरी कामयाबी लगी है। मरियप्पन यंगा वेलु ने हाई जंप इवेंट में भारत को गोल्ड दिलाया, तो वहीं वरुण सिंह भाटी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये अहम जानकारी हमने आपको दी है। और इसके साथ ही अब हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश फिर से दस्तक दे सकती है। हालांकि इस बार मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 22% बारिश कम हुई है, जबकि प्रदेश के ऊपरी इलाकों में यह आंकड़ा 70% कम बारिश का है। हिमाचल प्रदेश में बेशक बारिश से काफी जानमाल का नुकसान हुआ हो, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि इस बार सूबे में 22% कम बारिश हुई है, जबकि प्रदेश के ऊपरी इलाकों में यह आंकड़ा 70% कम बारिश का है। पिछले कुछ समय से बारिश नहीं होने और तेज धूप की वजह से लोगों को थोड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले हफ्ते और आने वाले कुछ दिनों में ही प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के निचले इलाकों में पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से उमस का आलम है, लेकिन पहाड़ों पर ऐसे आलम में भी मौसम बेहतर ही रहता है। अब जबकि एक बार फिर से बारिश की संभावना है, तो सैलानी सुहाने मौसम की उम्मीद से भर गए हैं। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला।